हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, अभी क्या है ना कि जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है 10th और 12th का, उसका रूटिंग आ चुका है। रूटिंग मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन होगा, और ये झारखंड झारखंड का है। तो झारखंड में 10th और 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसका ये रूटिंग है। देखिए, दिया कहा हुआ है कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, वो इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। देखिए, दिया झारखंड अधिविद परिषद रांची, यानी जो एग्ज़ाम लेता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है 10th और 12th का, उसका नाम दिया हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। ठीक है। प्रोग्राम फॉर एनुअल सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट आर्ट्स, एनुअल सेकेंडरी मतलब कि जो 10th वाले माध्यमा वाले उन लोग का है, माध्यमिक वाले, और इंटरमीडिएट वाले जो आईएससी हैं, आईएससी प्लस में आर्ट्स से जो हैं, प्लस में जो कॉमर्स से हैं, उन सब के लिए। और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का, थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा 2020 में, उसका है। और क्या क्या दिया हुआ है, परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि कब से, 11/2/2020, यानी कब से स्टार्ट होगा, 11/2/2020 से। आज कितना तारीख है, आज है हम लोग को 29 तारीख, 29/12/19। ठीक है, 29/12/19, मतलब ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग जो पढ़े होंगे अच्छा से पढ़िए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। और आप लोग को 10th का क्लास भी चल रहा था इसी चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और अभी कंटिन्यू क्लास रखेंगे, बीच में क्लास बंद हो गया था। और अगर आप लोग को मतलब PDF लेना हो, जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना हो जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग का जो फेसबुक पेज है, वो फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोग को ये इम्पोर्टेंट चीज़ मिलते रहेगा। जैसे, और ज्वाइन कैसे करना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और सीधे फेसबुक में ले जाएगा, और वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन है। तो क्या है, परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि कब से, 11/2/2020 से। ठीक है। अब देखिए, इसमें दो पार्ट में बांटा हुआ है, दो कॉलम है। पहला है इधर सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब माध्यमिक, और दूसरा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कौन कौन सा आ जाएगा, आईएससी आ जाएगा, आईकॉम आ जाएगा, और आर्ट्स आ जाएगा, आईए आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, 11 तारीख को। देखिए, फर्स्ट दिन 11 तारीख को कौन सा दिन है, ट्यूजडे है। ट्यूजडे मतलब मंगलवार। मंगलवार को फर्स्ट सीटिंग में किसका एग्ज़ाम है, कॉमर्स, होम साइंस यानी गृह विज्ञान, आईआईटी, आईटीएस, ये तो लगभग लगभग सबको नहीं रहता, लेकिन जिसका होगा वो 10th वालों का होगा। तो 11 बजे, एक सॉरी 11 तारीख को है। और देखिए, आप लोग को एग्ज़ाम तो 10 बजे से शुरू होगा, लेकिन आप लोग को 9:45 में ही वहाँ बुलाएगा। क्यों, क्योंकि 15 मिनट टाइम देता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए और सब चीज़ करने के लिए। तो 15 मिनट पहले ही आप लोगों को बुला लेता है, लेकिन एग्ज़ाम होता है 10 बजे से शुरू। ठीक। और इंटरमीडिएट वालों का क्या है, आईए, आईएससी और आईकॉम का है वोकेशनल, ये हो गया। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, 11 के बाद 12 को, 12 को क्या है किसका, 12 को देखिए 10th वालों का क्या है, उर्दू है, बंगाली है, उड़िया है। जिसका भी उर्दू, बंगाली, उड़िया होगा, वो अपना जाकर देगा। और वेडनसडे को है, मतलब 12 को वेडनसडे पड़ता है, वेडनसडे को है। और आईएससी को क्या है, कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी भी प्लस मातृभाषा एंड इंग्लिश है, ये आईएससी और आईकॉम के लिए है। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, 13 को क्या है, 13 को है खड़िया, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, ये है ट्यूजडे को, यानी सॉरी थर्सडे को यानी गुरुवार को, बृहस्पतिवार को। फिर आईएस यानी इंटरमीडिएट का इस दिन नहीं है, आईकम का भी नहीं है, लेकिन आईए का है। आईए का कौन कौन सा है, कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी भी यानी मातृभाषा। देखिए, 12 को क्या था, आईएससी और आईकम का है, और इस दिन आईए का नहीं है। 13 को क्या है, आईए का, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का। फिर 14 को क्या है, सो देखिए 14 को 10th का क्या है, 10th का अरबी, फारसी हो, मुंडारी, संथाली, उरांव, ये जिनका जिनका सब्जेक्ट होगा वो अपना
एग्ज़ाम देंगे 24 को, सॉरी 14 को फ्राइडे के। और फिर आईए आईएसी और आईकॉम का क्या है, इलेक्टिव लैंग्वेज कंपलसरी है, इलेक्टिव लैंग्वेज जो भी होगा कंपलसरी और एडिशनल लैंग्वेज वाला होगा, ठीक है। इसके बाद 15 को क्या है, सो देखिए बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। 15 को क्या है, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसको मिल जाएगा आप लोग को फेसबुक पेज में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको। 15 को क्या है, 15 को हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी, यानी हिंदी ए और हिंदी बी है 10th का। और आईएससी और आईकॉम क्या क्या है, कंपलसरी सॉरी कंप्यूटर साइंस एंथ्रोपोलॉजी, ये आईएससी आईकॉम और आईए का दिन का भी होगा, मतलब तीनों का है, तो अपना जाके दे सकते हैं एग्जाम। फिर 17 को देखिए, 17 को अब मेन मेन सब्जेक्ट आ रहा है, 17 को मेन सब्जेक्ट है 10th का कौन सा, सोशल साइंस, मतलब जो सामाजिक विज्ञान है, वो मंडे को यानी सोमवार को, सैटरडे संडे फिर छुट्टी रहेगा, फिर मंडे को क्या है सामाजिक विज्ञान है सोशल साइंस 10th वालों का। और आईए का कौन सा है, आईए का हिस्ट्री है, आईए का क्या है हिस्ट्री है, ठीक है। फिर 17 के बाद 18 को 10th का है म्यूजिक, जिनका भी होगा म्यूजिक अपने जाके गाना गा सकते हैं। फिर आईएससी और आईए का क्या है, आईएससी का है जियोलॉजी, जिनका भी जियोलॉजी होगा वो देंगे एग्जाम। और आईए का है साइकोलॉजी, आईए का क्या है साइकोलॉजी 18 को। और ये भी ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट सीटिंग में है और ये सेकेंड सीटिंग में, सेकेंड सीटिंग मतलब कि 1 बजे के बाद से ये जो 12th का होगा यानी इंटरमीडिएट का होगा वो 1 बजे के बाद होगा, और जो 10th का होगा वो सुबह बैच में है यानी 9:45 में बुलाएगा वहाँ पे, यानी 1 बजे सॉरी 10 बजे से आप लोग को एग्ज़ाम होगा। 15 मिनट पहले बुला लेता है, और 15 मिनट पहले जाना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम मिल कॉपी मिलेगा। और देखते हैं और क्या, साइकोलॉजी तक हो गया। और देखिए 19 को क्या है, 19 को 19/2/2020 को 10th का कुछ नहीं है, लेकिन आईएससी और आईकॉम को इकोनॉमिक्स है और आईए को क्या है फिलोसफी है, ठीक है। इसके बाद 20 को देखिए, 20 को 10th का है, 20 को 10th का कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ मैथमेटिक्स। 20/2/2020 को कौन सा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, और आईए का कौन सा है इकोनॉमिक्स है, ठीक है। 22 को 10th का कुछ नहीं है, फिर 12th का इंटरमीडिएट का क्या है, आईए का है म्यूजिक। आईएससी का देखिए, आईएससी वालों का फिजिक्स है, फिजिक्स आईएससी वालों का भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब 22 को क्या है, 22 को फिजिक्स है आईएससी वालों का। और आईकॉम वालों का क्या है, अकाउंटेंसी है, कब 22 को, 22 के बाद 23 नहीं है। इसके बाद 24, 24 को 10th का क्या है साइंस, 24 तारीख को यानी 24/2/2020 को 10th का है क्या साइंस है। और आईए आईएससी और आईकॉम का क्या है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जो भी होगा अपना देंगे। कब है 24 को, 24 को 10th का है साइंस और 12th का है मैथमेटिक्स। इसके बाद क्या है 25, 25 को 10th का कुछ नहीं है, फिर 25 को आईकॉम का है एंटरप्रेन्योरशिप और आईए का है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। फिर 26 को क्या है, 26 को 10th का है इंग्लिश, 26/2/2020 को है इंग्लिश। और आईएससी का क्या है, आईएससी का है केमिस्ट्री है और आईए का क्या है होम साइंस है। फिर 27 को कुछ नहीं है, फिर 27 को 10th का कुछ नहीं है, मतलब 12th का क्या है आईकॉम का है बिजनेस स्टडी, फिर आईए का है क्या सोशोलॉजी। इसके बाद 28 को देखिए, 28 लास्ट दिन है, यानी 11 से शुरू होगा और कब तक चलेगा, 28 तारीख तक चलेगा, 28/2/2020। 28 को क्या है, 28/2/2020 को फ्राइडे दिन पड़ता है, उस दिन 10th का क्या है संस्कृत है, 10th का क्या है संस्कृत है मतलब तो लास्ट सब्जेक्ट है। और आईएससी का क्या है, आईएससी का है बायोलॉजी है, आईए का क्या है जियोग्राफी है, फिर आईकॉम का क्या है बिजनेस मटेरियल है। आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोगों को तो रूटिंग मिल गया, ठीक है, रूटिंग जितना भी सबका था, जो 10th का था 12th का था सबका रूटिंग आप लोगों को मिल गया, टाइमिंग भी पता चल गया, टाइमिंग कितना बजे से, सुबह में 9:45 से 1 PM तक 10th वालों का है, और फिर 2 से 2:15 तक है, देखिए 2 से 2:15 तक है इंटरमीडिएट का है, तो टाइमिंग भी आप लोग को पता चल चुका है। अब देखिए, अब जब सब चीज़ मिल गया यानी आप लोग को अब ये भी पता चल गया कब से एग्ज़ाम होगा कब से क्या होगा, तब अब क्या बचा, अब बचा स्ट्रेटजी कि हम लोग कैसे जो बचा हुआ समय है रणनीति बनाना होगा, कि बचा हुआ समय में हम लोग कैसे कैसे अच्छा से पढ़े ना कि अच्छा मार्क्स आ जाए। देखिए मार्क्स मार्क्स बहुत ही मतलब जो मार्क्स आता है 10th में आता है जो 12th में आता है मार्क्स बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे आगे जाने के लिए
हायर स्टडी कीजिएगा। बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना कि मार्क्स अगर नहीं अच्छा आया ना तो आप लोग को ना आगे कुछ फॉर्म भर पाइएगा, ना कुछ और कर पाइएगा, ना हायर स्टडी कर पाइएगा, ना जॉब में फिर कुछ जा पाइएगा कहीं पे। तो जो भी है अभी से ही जो बचा हुआ टाइम है वही में पढ़ना है, क्योंकि देखिए अगर टाइम ख़त्म हो गया तो फिर बाद में आप सोचते रह जाइएगा कि काश जो टाइम मेरे को मिला हुआ था उस टाइम हम पढ़ लेते ना तो 5 नंबर और ज़्यादा आ जाता। ये लगता है कि थोड़ा सा और मेहनत कर ले रहते ना तो 10 नंबर और आ जाता, 10 नंबर आ जाता तो हम आगे निकल जाते उससे। तो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसका स्ट्रेटजी भी बताएंगे। आप लोग इसी चैनल के साथ ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए हम तो 12th वालों को तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि 12th वालों का इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन जो 10th वाले हैं 10th वालों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे। लेकिन 10th और 12th दोनों का स्ट्रेटजी हम बताएंगे कि 10th और 12th दोनों का कैसे कैसे मार्क्स अच्छा से लाना है, कैसे मेहनत करना है, क्या करना है, वो हम दोनों का स्ट्रेटजी आप लोग को बताएंगे। लेकिन वो सब फिर अगले वीडियो में बताएंगे, एक ही वीडियो में नहीं, एक ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ये आप लोग लेना चाहते हैं इसका PDF कि ये रूटिंग का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज कहाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा, सीधे फेसबुक पेज में ले जाएगा। वहाँ से आप लोग फेसबुक लाइक पेज लाइक कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक का भी तैयारी आप लोग को इसी चैनल पर करवाया जा रहा है, पॉलिटेक्निक का तैयारी शुरू हो चुका है, तो साथ साथ दोनों आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।